हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि हाउस CPVC पाइप फिटिंग कैसे होती है और जहाँ पे हम वाटर टैंक फिटिंग करते हैं लेंटर पे यानी ममटी पे, वहाँ तक हम लाइन किस तरीके से फिटिंग करते हैं और हमें करनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो एंड तक देखें और वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये लाइट का पाइप होने की वजह से तो हमने यहाँ 1.25 इंची क्रॉस बैंड डाल के हम लाइन क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये CPVC 1.25 इंची पाइप की फिटिंग करी है। तो दोस्तों, इसमें हमने जो सॉल्वेंट यूज़ किया है वो भी हमारा CPVC का है और इसमें हमने जो पाइप यूज़ किया है वो भी हमारा CPVC 1.25 इंची का पाइप है। तो दोस्तों, यहाँ पर लाइट का पाइप होने की वजह से हमने यहाँ क्रॉस बैंड डाला है 1.25 इंची का, और जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो एंड तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो में बने रहें। और किस तरीके से हम हाउस पाइप फिटिंग करते हैं, जहाँ पे यानी हम ममटी पे वाटर टैंक फिटिंग करेंगे, वहाँ तक हम लाइन किस तरीके से फिटिंग करने वाले हैं और हमें कितने इंची की लाइन वहाँ तक फिटिंग करना चाहिए, तो ये हमने 1.25 इंची की लाइन फिटिंग करी है। और आगे भी दोस्तों हमारी कई लाइनें हैं, तो हम सारी लाइनें जोड़ के ऊपर ले जाएंगे। तो किस तरीके से हमने लाइन फिटिंग करनी है, तो इसमें हमारी तो 1.25 इंची की लाइन है और इसमें हमारी 1 इंची की लाइन है। तो इसमें हमारी जो 4 लाइनें दिख रही हैं आपको, उसमें हमारी 3 लाइनें हैं। तो इसमें हमारी 2 वाटर टैंक में जो जुड़ेंगी हमारी, एक हमारी ताजे पानी के लिए है। तो दोस्तों, हमने ये यहाँ पर लाइन जोड़ दी है और ऊपर तक लाइन हम किस तरीके से फिटिंग करके ले गए हैं, ये हम आपको सब वीडियो में दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने ये लाइन ऊपर ले जा रहे हैं, हम ऊपर वाटर टैंक फिटिंग करेंगे तो उसके लिए लाइन हम ले जा रहे हैं जी दोस्तों। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें।
से भाई गाड़ी की चाबी होगी, गाड़ी की चाबी होगी।